वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन में आपको दिए हुए नंबरों को पी बाई क्यू फॉर्म में व्यक्त करना है। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन 2.1 का पहला पार्ट 0.6 बार, यानी ये वो नंबर है जो दशमलव के बाद वाली संख्या बार बार रिपीट हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसी संख्याओं को पी वाई क्यू फॉर्म में व्यक्त करने के लिए काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, कैसे इसको मैंने सॉल्व किया है आपको बस समझाता हूँ। पहले इस नंबर को आपको एक्स मानना है, लेट एक्स इक्वल टू 0.6 बार। ये जो ऊपर डंडा आपका लगा है, यानी इसको हम जो बार बोलते हैं, इसका मतलब है कि ये नंबर बार 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 रिपीट हो रही है। इसको हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है, x इक्वल टू 0.6666 डॉट 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 डॉट, और हमने इसको क्वेश्चन वन मान लिया। इक्वेशन फर्स्ट माना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 बोथ साइड। देखो, यहाँ पर हम 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, जितने नंबर के ऊपर आपका बार लगा है, यानी 1 के पीछे उतना 0, यानी एक नंबर लगा तो एक के पीछे 0, यानी 10, 10 से दोनों ओर मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेट्स इसको मल्टीप्लाई करने पर 10 से 10x इक्वल टू 0.666 और इक्वेशन 2। देखो, ये जो डेसिमल है, आपको पता है डेसिमल नंबरों को जब 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो डेसिमल एक प्लेस राइट ओर रिप्लेस हो जाता है। ये आ गया आपका 6.666। एक तरीका तो ये है कि इसको हम एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, तो काफ़ी बच्चे इस पर कन्फ्यूजन करते हैं। तो मैंने एक दूसरी विधि से बनाने का प्रयास किया है कि इस इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को यदि हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जो हमारे पीछे के जो डेसिमल हैं, डेसिमल समाप्त हो जाएंगे। देखिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट, जब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए, एलएचएस को एलएचएस के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, आरएचएस को आरएचएस के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x माइनस एक्स, और पहला इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन था 10x इक्वल टू 6.6666, और सेकंड इक्वेशन जो फर्स्ट वाली थी माइनस एक्स इक्वल टू 0.666, उन इक्वेशनों को नीचे लिखा है और इसको सब्ट्रैक्ट किया। 10x में से 1x सब्ट्रैक्ट करने के बाद 9x, और 6 में से 6 0 0 0 0 एंड लास्ट 6 माइनस 0 तो 6, तो 6.0, यानी ये कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट हो गया है सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अब इसके बाद फिर देखिए क्या किया, 9x इक्वल टू 6, इम्प्लाइज 6 इक्वल टू 6 ओवर 3, इस आपका शॉर्ट हो रहा है 3 से, 2 टाइम और 3 टाइम, तो 2 ओवर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी x इक्वल टू 2 ओवर 3। ये पी बाई क्यू फॉर्म में बदल गया था। हमने किसको माना था, 0.6 बार, यानी हमारा ये 0.6 बार जो था कैसे कन्वर्ट हो गया 2 ओवर 3 में। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट का 0.47 बार। अब यहाँ पर देखिए, जो बार लगा है ये 7 के ऊपर है, यानी 7 ही रिपीट हो रही, 4 रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब यह है, लेट एक्स इक्वल टू 0.47 बार, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 0.4777, अर्थात एक्स बराबर 0.47777, और इसको इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक मान लिया। और समीकरण एक को जैसे मैंने पहले बताया था, एक नंबर पर जब आपका बार लगा होता है, एक ही नंबर रिपीट होती है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दो नंबर रिपीट होती हैं तो 100 से करते हैं, तो दोनों ओर के 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS में करने के बाद 10x 10 से मल्टीप्लाई, और ये 4 यहाँ चला जाएगा, ठीक है, 4 पॉइंट यानी पॉइंट यहाँ चला जाएगा 4 के राइट साइड में, 4.777 इक्वेशन 2। देखिए फिर क्या किया है, जैसे पहले क्वेश्चन में था उसी प्रकार से, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या गया, 9x
नाइन एक्स इक्वल टू 4.300, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यानी जो 9 है, एडजस्ट कर लेते इसको, अब देखिए 9 ओवर में आ जाता है, जैसे आपको पता है, इम्प्लाइज करके हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू 4.3/9, ठीक। इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाता है, आपको पता है इसको डेसिमल से रहित करना है, तो ये जीरो नीचे आ जाता होता है, या 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म आ गया 43/90। यानी जो क्वेश्चन में हमारा था 0.47, वो हमारा पी बाई क्यू फॉर्म में बदल गया, पी इक्वल टू आप 43 एंड क्यू इक्वल टू 90। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपको यदि एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़ी इजीली उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का और पार्ट आपको फिर दिखाते हैं, 0.001 के ऊपर बार है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखेंगे 3 नंबरों के ऊपर बार लगा, इसका मतलब यह है कि 0 के बाद ये नंबर बार बार रिपीटेशन में आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो माना इसको हम x मानेंगे, लेट x इक्वल टू 0.001, उसके बाद इन्हीं नंबरों को रिपीट करते हुए लिखेंगे, इसको थोड़ा और एक्सप्रेस करेंगे विस्तार रूप में, x बराबर 0.001 001 001 .. क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बोथ साइड। अब देखिए, मैंने कहा था 3 जीरो लगने हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 आपके स्थान हैं, 3 अंक हैं दशमलव के बाद, तो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 1000 एक्स, और डेसिमल जो है 3 स्थान पीछे चला जाएगा, 1, 2, 3, यहाँ आएगा 1.001001, इस प्रकार से। अब मिस्टेक हुई लिखने में, ये आएगा 1000x=1.001001 - x=0.001001, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट, 0, 0, 0, 1 में 1, 0, 0, 0, 0.1 में ओवर 1 आ गया, ये आ गया 999x, तो x इक्वल टू 1/999, तो ये आपको पी बाई क्यू फॉर्म में बदल गया। तो होप स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।